हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑक्शन स्ट्रेटजी के एपिसोड नंबर 6 में। और गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के बारे में और आपको बताएंगे कि मुंबई इंडियंस की क्या ऑक्शन स्ट्रेटजी रहने वाली है आईपीएल 2020 के लिए। वैसे देखें दोस्तों तो मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, लेकिन दोस्तों बावजूद इसके मुंबई इंडियंस आईपीएल 2020 के ऑक्शन में बहुत ज़्यादा जोर लगाने वाली है और कई बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बिडिंग करने वाली है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मुंबई इंडियंस कौन कौन से बड़े खिलाड़ियों को खरीद सकती है। तो गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत सी टीम पर ऑलरेडी ऑक्शन स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2020 में चैंपियन बने तो यहाँ नीचे कहीं लाइक का बटन दिया हुआ होगा, उसे हिट कर इस वीडियो को लाइक कीजिए और आईपीएल से जुड़ी लगातार न्यूज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस के पर्स मनी के बारे में। दोस्तों मुंबई इंडियंस के पर्स में इस समय 13 करोड़ 5 लाख रुपए मौजूद हैं और अगर हम उनको बाकी टीम से कंपेयर करें तो मुंबई इंडियंस के पास बाकी टीम के कंपेयर में सबसे कम पैसे हैं। और गाइस, अगर हम प्लेयर स्लॉट की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास अभी 7 प्लेयर स्लॉट खाली है, इनमें से वो पाँच इंडियन खिलाड़ियों को खरीद सकती हैं, वही गाइस 2 फॉरेनर खिलाड़ी को भी खरीद सकती हैं। और गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन बैट्समैन के बारे में जिन्हें मुंबई इंडियंस टारगेट कर सकती है। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहता हूं कि मुंबई इंडियंस जिन बैट्समैन या जिन प्लेयर्स को खरीदेगी ऑक्शन से वो सिर्फ बैकअप प्लेयर्स की ही भूमिका निभाएंगे, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी प्लेयर मौजूद हैं, इसीलिए जो खिलाड़ियों को नीलामी से खरीदेंगे वो सिर्फ बेंच पर बैठे रहेंगे और बैकअप प्लेयर की भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास फॉरेन बैट्समैन की काफ़ी लंबी लिस्ट है, जैसे दोस्तों उनके पास ऑप्शन है टॉम बेंटन का, एलेक्स कैरी का, ग्लेन मैक्सवेल का, इयोन मॉर्गन का, कॉलिन मुर्रो का, साई होप का, सिमरन हेटमायर का, डेविड मिलर का और कॉलिन इनग्राम का। लेकिन गाइस, इन प्लेयर्स में से सिर्फ 2-3 प्लेयर को ही मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट करने वाली है, जैसे दोस्तों इनमें से टॉम बेंटन को 100% मुंबई इंडियंस टारगेट करेगी, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस से टॉम बेंटन से डायरेक्ट कांटेक्ट भी किया था अपनी टीम में खेलने को लेकर। साथ ही साथ टॉम बेंटन भी बोल चुके हैं कि मैं मुंबई इंडियंस में खेलना पसंद करूंगा। तो गाइस, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हाई चांसेज है कि टॉम बेंटन आईपीएल 2020 में हमें मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए दिखाई दें। और गाइस, अगर टॉम बेंटन पर बोली ज़्यादा लगती है और वो मुंबई इंडियंस के पहुँच से बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे में मुंबई इंडियंस ग्लेन मैक्सवेल, सिमरन हेटमायर और डेविड मिलर पर भी बोली लगा सकती है। और दोस्तों उसके बाद मुंबई इंडियंस एक स्पिनर के तलाश में भी रहेगी, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास इस समय स्पिनर्स की कमी है, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस ऑक्शन से एक स्पिनर को भी खरीदने वाली है। और गाइस, ऐसे में मुंबई इंडियंस के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहले हैं एडम जैम्पा और दूसरे हैं पीयूष चावला, लेकिन दोस्तों जहाँ तक ज़्यादा चांसेज हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम पीयूष चावला पर 100% बोली लगाएगी, क्योंकि दोस्तों पीयूष चावला बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है और उन्हें इंडियन कंडीशन में खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हासिल है। और साथ ही साथ पीयूष चावला आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज भी रह चुके हैं, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम 100% पीयूष चावला पर बीड करने वाली है। और गाइस, अगर मुंबई इंडियंस की टीम चाहती है कि एक फॉरेन बैट्समैन के साथ साथ एक फॉरेन तेज गेंदबाज भी उनकी टीम में आ जाए तो यहाँ पर भी उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे उनके पास मार्क वुड का ऑप्शन है, सेल्डन कॉटरल का ऑप्शन है, ओसेन थॉमस का ऑप्शन है, डेल स्टेन का ऑप्शन है और जे रिचर्डसन का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों इनमें से मार्क वुड और डेल स्टेन के पीछे मुंबई इंडियंस 100% बोली लगाएगी, क्योंकि गाइस ये जो तेज गेंदबाज है ये बहुत ही कम कीमत पर मुंबई इंडियंस को मिल जाएंगे और मुंबई इंडियंस को जरूरत भी है ऐसे तेज गेंदबाज की जो कि कम कीमत पर मिल जाए।
और गाइज उसके बाद मुंबई इंडियंस एक इंडियन मिडल ऑर्डर बैट्समैन को भी परचेस करने वाली है। और गाइज यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लिस्ट लंबी है। तो गाइज अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इनके पास मनोज तिवारी का ऑप्शन है, यूसुफ पठान का ऑप्शन है, दीपक हुड्डा का ऑप्शन है, ध्रुव सौरे का ऑप्शन है, विराट सिंह का ऑप्शन है, राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन है, हनुमा बिहारी का ऑप्शन है और बाबा अपराजित का ऑप्शन है। तो गाइज ऐसे में दीपक हुड्डा और यहाँ पर हनुमा बिहारी के पीछे बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मुंबई इंडियंस इनके पीछे बोली लगाए, क्योंकि दोस्तों यूसुफ पठान जो है उनकी दोस्तों जो प्राइस है हो सकता है कि थोड़े हाई प्राइस में जाए, तो मुंबई इंडियंस उन्हें हो सकता है परचेस ना कर पाए। लेकिन दोस्तों यूसुफ दीपक हुड्डा पर 100% बोली मुंबई इंडियंस लगाने वाली है। और गाइज उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम अग्नेश सुधा और पप्पू रॉय को भी खरीद सकती है। तो गाइज अगर आप पप्पू रॉय को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, पप्पू रॉय उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और वो एक स्पिनर है और मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपने ट्रायल कैंप में बुलाया था। मुंबई इंडियंस ने अपना ट्रायल कैंप अक्टूबर 2019 में आयोजित किया था, तो वहाँ पर पप्पू रॉय को उन्होंने बुलाया था। तो गाइज ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि पप्पू रॉय को भी मुंबई इंडियंस अपने टीम में शामिल करे, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की जो सबसे बड़ी खास बात है वो दोस्तों ये है कि मुंबई इंडियंस की टीम हमेशा से जो डोमेस्टिक सर्कल के युवा स्टार खिलाड़ी हैं उन्हें अपने टीम में शामिल करती हैं। तो ऐसे में पप्पू रॉय और अग्नेश सुधा को भी मुंबई इंडियंस परचेस कर सकती है। तो दोस्तों यही थे वो कुछ प्लेयर्स जिन्हें मुंबई इंडियंस की टीम ऑक्शन से टारगेट करने वाली है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से उन प्लेयर्स का नाम बता देता हूँ। तो गाइज पहले प्लेयर्स हैं टॉम बेंटन, दूसरे प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल, तीसरे प्लेयर हैं सिमरन हेटमायर, चौथे प्लेयर हैं डेल स्टेन, पांचवें प्लेयर हैं मार्क वुड, छठे प्लेयर हैं पीयूष चावला, सातवें प्लेयर हैं दीपक हुड्डा, आठवें प्लेयर हैं अग्नेश सुधा और नवें प्लेयर हैं पप्पू रॉय। तो गाइज इन प्लेयर्स पर 100% मुंबई इंडियंस बोली लगाने वाली है। तो दोस्तों वीडियो फिलहाल इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस की टीम कौन से प्लेयर को खरीदेगी। और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी न्यूज़ सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।